किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। हम किसी भी फसल की खेती से ज़्यादा उत्पादन और मुनाफा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उस फसल में सही तरीके से सही समय पर सही खाद का प्रयोग करते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम टमाटर की फसल में बुआई से अंत तक खाद डालने के संपूर्ण शेड्यूल के बारे में बात करेंगे कि आपको पौधे के बेहतर विकास और उत्पादन के लिए कौन से समय पर कौन कौन सा खाद डालना चाहिए, उसकी मात्रा कितनी रखनी चाहिए। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास आए घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले खाद के बारे में। तो जब आपके टमाटर की फसल 15 दिन की हो जाती है उस समय पर आपको प्रति एकड़ 3 किलोग्राम एनपीके 19-19-19 जड़ों के पास देना चाहिए और फिर आप सिंचाई कर दें। अगर आप ड्रिप में चलाना चाहते हैं तो आप 19-19-19 को ड्रिप में भी चला सकते हैं। उसके अलावा किसान भाइयों, जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाती है उस समय पर पौधे को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उस समय पर आपको प्रति एकड़ 3 किलोग्राम एनपीके 12-61-0 और उसके साथ 4 किलोग्राम बायोविटा दानेदार जड़ों के पास दे देना है और उसके बाद आपको सिंचाई कर देना है। किसान भाइयों, उसके आगे बात करें तो जब टमाटर की फसल 45-55 दिन की हो जाती है तो उस समय हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज में होती है तो उस समय पर फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है तो उस समय प्रति एकड़ 4 किलोग्राम एनपीके 0-52-34 और उसके साथ 5 किलोग्राम सल्फर डस्ट को मिक्स करके जड़ों के पास दे दे और उसके बाद आप सिंचाई कर दे। अगर आप ड्रिप में खेती कर रहे हैं तो ड्रिप से सिंचाई कर दें। अगर आप सामान्य तरीके से खेती कर रहे हैं तो आप जिस प्रकार से सिंचाई करते हैं उसी प्रकार से आप सिंचाई कर दें। उसके अलावा किसान भाइयों, जब टमाटर की फसल 70-80 दिन की अवस्था में होती है उस समय हमारी फसल फल की अवस्था में यानी कि फ्रूटिंग स्टेज में होती है तो उस समय पर हमें 20 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम जिंक युक्त खाद और उनके साथ 1 किलोग्राम आपको बोरान लेना है और इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास दे देना है जिससे पौधे में नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाएगी और बोरान से टमाटर में चमक बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, आगे बात करें तो जब हमारी फसल 100-110 दिन के आसपास की होती है तो उस समय हमें 1 एकड़ में 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रेंट युक्त खाद और 1 लीटर होमिक एसिड ड्रिप में देना चाहिए। अगर आप बिना ड्रिप के खेती कर रहे हो तो आप जब सिंचाई करते हैं उसमें आप पानी के साथ चला सकते हैं लेकिन आपको यह देना ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, इसके आगे आप फिर से यही शेड्यूल दोहरा सकते हैं। और किसान भाइयों, इन खादों के अलावा आप समय समय पर जिस पोषक तत्व की कमी होती है पौधे को उसके लिए खाद का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन की कमी पर आप यूरिया दे सकते हैं, यूरिया सस्ता भी मिलता है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है सल्फर की कमी है तो आप सल्फर वाले खाद का प्रयोग करें, जिंक की कमी है तो जिंक वाले खाद का प्रयोग करें। तो आप अपनी फसल में उसकी स्थिति के हिसाब से खाद डालें कि हमने जो शेड्यूल बनाया है वह ज़रूरी नहीं है कि आप इस पूरे शेड्यूल को फॉलो करें। आपकी फसल की स्थिति के हिसाब से आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह था हमारी टमाटर की फसल में खाद डालने का संपूर्ण शेड्यूल। हम आने वाले फसल में टमाटर की खेती में स्प्रे करने के संपूर्ण शेड्यूल के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।